दोस्तों आपने हमारे चैनल पे एक्सबॉक्स सीरीज एक्स का ट्रेलर रिएक्शन देखा ही होगा और यार हम खुश शोक रह गए थे जब हमें पता ही नहीं था कि द गेम अवार्ड्स 2019 में इसका टीजर कहीं ना कहीं लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं हम सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज थी क्योंकि चलो प्लेस्टेशन 5 ने अपने कंसोल का लुक रिवील नहीं किया, एटलीस्ट एक्सबॉक्स स्कारलेट यानी कि जिसे हम स्कारलेट बोलते थे वो सीरीज एक्स उसका जो ओरिजिनल नेम है और ये अब चेंज नहीं होने वाला, तो उसका तो लुक हमें पता चल गया कि वो पूरा एक तरह से सीपीयू जैसा होने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोगों के हमने देखे कि वीडियोस के नीचे कमेंट आए हैं कि सर आप इसके बारे में बताइए कि इसके अंदर हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो आज उन्हीं पॉइंट्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन नमो कार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले पॉइंट पर दोस्तों हम बात कर ले कि जो लीक्स आई है वो एक तरह से पीसी होगा, ये कोई गेमिंग कंसोल नहीं होने वाला। इस बार आपको जो सीपीयू की शेप में मिल रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरी तरह से सीपीयू होगा। और ऐसा कंपनी ने इसलिए डिसीजन लिया है कि आप सब तो जानते ही हैं कि पीसी तो मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होते ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट तो अपनी जगह बना हुआ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका गेमिंग कंसोल प्लेस्टेशन को टक्कर नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए इस बार उसने गेमिंग कंसोल के साथ साथ उसमें सीपीयू भी अटैच कर दिया, जिसमें आप बहुत सारी फंक्शनैलिटी आपको ऐसे मिलेगी कि आपको लगेगा कि आप किसी कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं या कंप्यूटर पर कोई वर्क कर रहे हैं। अगर आपको एडिटिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे। और नीचे जाते जाते मैं अब आपको सब डिटेलिंग से बताने वाला हूं। तो यहां पर आपका जो कैबिनेट होगा वो आरजीबी होगा, यानी कि उसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू लाइट आपको देखने को मिलेगी। वैसे ग्रीन लाइट तो हम देख ही चुके हैं कि ऊपर उसके जो सरफेस है उसमें हम देख पा रहे हैं, बाकी ब्लू एंड रेड लाइट का अभी तक पता चल नहीं पाया कि वो कहां पर जलेगी, ऊपर ही जलेगी या आसपास उसमें, हो सकता है कि कहीं भी ट्रांसपेरेंसी दे रखी हो जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा वो लुक देखने में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि सर ये जो पीसी टाइप से होगा ये जो कंसोल है वो नेटिव 4K तो है ही, लेकिन 8K सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो पूरी तरह से बिल्कुल आपका ये कंसोल जो है 8K सपोर्ट करेगा, आप इसे नेटिव 8K सपोर्ट भी करा सकते हैं अगर आपके पास LED 8K है, और प्लस आपकी जितनी भी गेम आएंगी वो सब आप इसके थ्रू प्ले कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसका इंटरफेस आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको जैसा भी नॉर्मल इंटरफेस आप देखते हैं कि कोई गेमिंग का आइकन आपको यहां पर दिखाई देता, उस तरह से इंटरफेस स्टार्टिंग का नहीं होगा, वो आपको खुद आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप किस गेम का जो शॉर्टकट है वो कहां पर रखना चाहते हैं, जैसे कि हम डेस्कटॉप में अक्सर करते हैं। साथ ही यहां पर आपको एक एप्लीकेशन भी उसके अंदर दिखाई देगी गेमिंग लॉन्चर के नाम से, और उस पर जब आप क्लिक करेंगे तब आपका एक तरह से वो पूरा गेमिंग कंसोल बन जाएगा और जो आपकी गेम है उसे अच्छे से स्मूथली प्ले करने के साथ साथ उसके ग्राफिक्स को भी इनहेंस करेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात आपको और बता दूं कि यहाँ पर अगर आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं और आपने कोई गेम डाउनलोडिंग पर लगा भी रखी है तो आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो स्लो नहीं होगी, जैसे कि अक्सर ये चीज मैं प्लेस्टेशन 4 में फेस करता हूं। अगर मैंने सिर्फ गेम को डाउनलोडिंग पर लगा रखा है और उसके साथ ही मैं कोई गेम को प्ले कर देता हूं तो वो उतनी अच्छी स्पीड उसे प्रोवाइड नहीं करता गेम को, भले ही मैं उस गेम को ऑफलाइन खेल रहा हूं यानी कि उसका ऑनलाइन मोड नहीं खेल रहा, तब भी ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो सब इशू है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स ने तो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे कंसोल में आपको देखने को नहीं मिलेगी, और साथ में उसे और ज्यादा बेटर कर दिया। अगर आप सीरीज एक्स के अंदर गेम खेलने के साथ साथ तो कोई आपने वर्क लगाया, अपना कोई प्रोजेक्ट लगाया हुआ है एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो भी आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, यानी कि आपने कोई एडिटिंग एप्लीकेशन पे कोई फाइल को रेंडर करने के लिए लगाया हुआ है या उसकी एडिटिंग चल रही है तो वहां पर कहीं भी आपकी परफॉर्मेंस में आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों में यहाँ पता चलता है कि एक्सबॉक्स वन के पिछले जितने भी कंसोल थे वो सिर्फ आप उसे एलईडी पर ही यूज कर पाते थे, वहां पर मॉनिटर आप अटैच नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पर इस बार आप एलईडी के साथ साथ मॉनिटर भी अटैच कर पाएंगे, और हो सकता है यहां पर आपको ड्यूअल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराई जाए जिसमें आप एक ही सीपीयू के थ्रू दो एलईडी या एक एलईडी एक मॉनिटर अटैच कर पाएंगे। तो ये फीचर्स तो बहुत ही अच्छा है और ये चीज हमें सिर्फ सीपीयू में देखने को मिलती थी, और उसमें भी कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि हम HDMI स्प्लिटर यूज करना पड़ता था जिन लोगों में सिर्फ एक ही HDMI आउट होता था। अगर ऐसा इसके अंदर होता है तो यार ये चीज तो मतलब सच में बहुत ही कमाल की होगी, और जहां पर हमें कहीं ना कहीं कैप्चर कार्ड का यूज करना पड़ता था तो शायद उस चीज से हम बच जाएंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये पूरी तरह से कीबोर्ड एंड माउस कंपेटिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी भी गेम ऐसा नहीं है कि कुछ गेम्स कीबोर्ड एंड माउस के थ्रू प्ले होती हैं, जैसे फोर्टनाइट सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप उसे प्लेस्टेशन 4 में भी वायरलेस कीबोर्ड माउस से खेल सकते हैं, लेकिन हर गेम ये फीचर्स प्रोवाइड नहीं कराती। जैसे कि आपको प्लेस्टेशन में अनचार्टेड सीरीज खेलनी हो, गॉड ऑफ वॉर सीरीज खेलनी हो, तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी कीबोर्ड माउस यूज करना पड़ता है जो काफी एक्सपेंसिव आता है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी एक्सबॉक्स सीरीज एक्स ने, अब इसमें आप जितनी भी गेम प्ले करेंगे चाहे बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी की हो, चाहे करंट कंसोल की हो, चाहे नेक्स्ट जन कंसोल की हो, वो सब प्ले आपकी करेगा कीबोर्ड एंड माउस के थ्रू। अब ये फंक्शनैलिटी कितना अच्छे से वर्क करेगी ये तो समय आने पर ही पता चल पाएगा, बाकी
कुछ गेम्स ऐसी जरूर होती हैं जो हमारा मन करता है सिर्फ कीबोर्ड और माउस खेलने पर, और खास तौर पर ही होती है फर्स्ट पर्सन शूटर गेम, जिसमें आप कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज का नाम सबसे ऊपर रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों हम बात करते हैं इसकी रिलीज डेट के बारे में। तो हॉलीडे 2020 में तो सबको पता ही है कि रिलीज होने वाला है, लेकिन प्लेस्टेशन 5 के बाद रिलीज होगा, उसके साथ होगा या उससे पहले होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट इस पूरी प्लानिंग में है कि प्लेस्टेशन 5 अगर 15 दिसंबर या 15 नवंबर को रिलीज होगा तो ये उससे एक हफ्ता या दो हफ्ते पहले रिलीज करना चाहता है मार्केट में, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं समझता है कि अगर प्लेस्टेशन 5 के एग्जैक्ट उसी डेट पर अगर ये रिलीज होता है तो इसकी मार्केट वैल्यू पे या इसकी सेल प्राइस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए चाहता है कि एक हफ्ता या 10 दिन पहले, जैसे अभी आपने बाला फिल्म के साथ देखा होगा बॉलीवुड में कि उजड़ा चमन को एक हफ्ता पहले ही रिलीज कर दिया गया, तो यहाँ पर सेम कहानी आप कह सकते हैं कि प्लेस्टेशन हमारा है आयुष्मान खुराना और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स है सनी सिंह। नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों बात कर लेते हैं काइनेक्ट के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि इसमें वीआर का फंक्शन जो होगा नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर जो काइनेक्ट की टेक्नोलॉजी है वो वीआर से भी बहुत ऊपर की है, जहां पर आपके जो हाथ हैं वो सेंसर वर्क करते हैं पूरा, यानी कि कोई भी गेम खेलने के लिए आपको कोई जॉयस्टिक कीबोर्ड माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जो हाथ हैं आपकी जो लातें हैं वो पूरा एक तरह से कैरेक्टर के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगी। और ये चीज यार सच में मतलब बहुत अच्छी होगी देखने के लिए, क्योंकि इससे आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बहुत सारी गेम काइनेक्ट 1.0 पर जब मैं खेलता था तो वहां पर कुछ गेम्स ऐसी होती थी, जैसे फ्रूट निंजा इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर आपने खेली हो तो आप काइनेक्ट के थ्रू खेलोगे तो उसका एक्सपीरियंस आपका पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आपको यूं 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 हाथ चलाने पड़ते हैं, इससे आपकी हाथों की भी एक्सरसाइज होती है। और ऐसी ही कुछ गेम्स थी पैरों की, जहां पर वो गेम आपकी पूरी लेग को एक्सरे कर लेती है, पूरी बॉडी को एक्सरे कर लेती है, और जैसी आपकी बॉडी की मूवमेंट होगी सेम वही कैरेक्टर आपको करता हुआ दिखाई देगा। और इस काइनेक्ट का फायदा आप दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी आप अपने एक्सबॉक्स सीरीज एक्स में एक्सेस कर पाएंगे। इनकी प्रॉपर आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, और अगर आपका काइनेक्ट 2.0 से अटैच है यानी कि आपने उसे परचेस किया हुआ है, तो आप विदाउट कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक के थ्रू आप अपने हैंड के थ्रू उस पर क्लिक करके अपनी वॉइस कमांड के थ्रू उसे ओपन कर पाएंगे। और जो भी आप करना चाहते हैं टाइप वगैरह का तो भी मुझे पता नहीं कि अगर आप कोई व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करना चाहते हैं तो वो टाइप करेगा या नहीं करेगा, इस चीज के बारे में तो अभी कंफर्म नहीं हो पाया। अगर ऐसा करता भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काइनेक्ट जो है बहुत ही मल्टीपल यूजेस के लिए है। वीआर में तो सिर्फ हम गेम ही प्ले कर सकते हैं, लेकिन काइनेक्ट का यूज बहुत ही अलग अलग तरीके से हो सकता है। बाकी आपका इस बारे में क्या है सोचना प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही ये भी मेंशन कीजिएगा कि आपने काइनेक्ट 1.0 को यूज किया है या नहीं। बाकी अदर फीचर्स की हम बात करें, जैसे SSD आपको इसमें देखने को मिलेगी, पावरफुल होगा एक्सबॉक्स 1 से अगर कंपेयर किया जाए तो 4 times पावरफुल होगा। और वैसे भी ये चीज आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें नेटिव 4K ग्राफिक्स होंगे तो 1080 नेटिव होते हैं एक्सबॉक्स 1 में, तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि उससे 4 times जब ग्राफिक्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे तो कंसोल तो डेफिनेटली पावरफुल होगा ही 4 times। और उसी तरह से यहाँ पर 3D ऑडियो और जितनी भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्लेस्टेशन 5 आपको फीचर्स प्रोवाइड कराएगा, सेम वही फीचर्स आपको सिमिलर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो उस बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं। अब मेनली आते हैं हम क्लाउड सर्विस की तरफ, जिसका हमने बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया था पिछली वीडियो में। तो क्लाउड सर्विस में दोस्तों आपका मेनली 2 फायदे सबसे बड़े होने वाले हैं। एक तो आप अपने मोबाइल के थ्रू गेमिंग कर पाएंगे, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन होगी जो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स को पूरी तरह से कंट्रोल करेगी, और आप अपने मोबाइल को अगर आप दूसरे रूम में हैं और आप नहीं चाहते कि LED या मॉनिटर को ऑन करना, तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी गेमिंग कर पाएंगे अपने मोबाइल के थ्रू, जॉयस्टिक आपकी उससे कनेक्ट हो जाएगी, और सेम आपको वही मजा आएगा जैसे कि आप कह सकते हैं कि गूगल स्टेडिया जो आपके लिए फीचर्स लेकर आया है। साथ ही यहां पर दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि जैसे आपको पता ही है कि एक्सबॉक्स फुली बैकवर्ड कंपेटिबल होगा, यानी कि प्लेस्टेशन 5 की तरह से यहां पर गोलमोल बातें नहीं की है कि सिर्फ PS4 की बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी के बारे में बताया है, PS3, PS2, PS1 का क्या होगा उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो यहां पर क्लाउड सर्विस में आपको ये फीचर देखने को मिलेगा कि जितनी भी आपकी पुरानी गेम्स होंगी जिनकी मार्केट में अब डिस्क अवेलेबल भी नहीं है, जैसे कि एक गेम का नाम मैं आपसे बता ही रहा हूँ, निंजा ब्लेड है, वो गेम PC पर भी रिलीज हुई थी लेकिन साथ ही एक्सबॉक्स 360 पर आई थी गेम, और प्लेस्टेशन 3 पर उस गेम को नहीं बनाया गया था, और उसकी डिस्क अभी मैं जब मार्केट में देखने गया था तो मुझे नहीं मिल पाई। तो ऐसी बहुत सारी गेम्स है जो आप खेलना चाहते होंगे, आपका मन करता होगा लेकिन आपको पता ही नहीं है उन गेम्स के बारे में कि कहां से उनकी डिस्क मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इन सब गेम्स को आप एंजॉय कर पाएंगे क्लाउड सर्विस के थ्रू। तो यहां पर उसकी प्रॉपर लिस्टिंग की गई है गेम्स की, और यहां पर आपको शायद मेंबरशिप लेनी होगी, मंथली मेंबरशिप, जिसके थ्रू आप जितनी भी लाइब्रेरीज में गेम होगी उन्हें सबको एक्सेस कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे और खेल पाएंगे। अब लास्ट पॉइंट में दोस्तों मैं बात करूंगा स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए जो स्ट्रीम करते हैं किसी भी कंसोल पर या PC पर। तो यहां पर हमारे सामने 2 सबसे बड़ी
प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो जाती हैं कि अगर हम एक्सबॉक्स वन पर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं किसी गेम की, तो यहाँ पर वो हमें प्रोवाइड नहीं कराता वो फैसिलिटी। लेकिन एक्सबॉक्स सीरीज एक्स ने ये चीज़ कन्फर्म कर दी है कि यहाँ पर यूट्यूबर्स को ध्यान में रखते हुए या स्ट्रीमर को ध्यान पे रखते हुए, भले आप ट्विच पे करो या मिक्सर पे करो या यूट्यूब पे करो, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराएगा। साथ ही एक ऐसी फैसिलिटी देगा जो शायद प्लेस्टेशन 5 आपको ना प्रोवाइड करा पाए, और ये होगा कि जो कॉपीराइटेड म्यूजिक होते हैं और इससे आपकी जो वीडियो है मोनेटाइज नहीं हो पाती, तो अब उन्हें भी आप मोनेटाइज कर पाएंगे। यानी कि जो आपका जो कॉपीराइटेड म्यूजिक होगा आप उसे ही पहले डिसेबल कर सकते हैं सेटिंग में जाकर, तो जितनी भी गेम्स प्ले होंगी वो ऑटोमेटिक उन सभी कॉपीराइटेड म्यूजिक को उन्हें ट्रैक करके डिसेबल कर देगा। तो मुझे तो यार ये बहुत ही कमाल का फीचर्स लगा, और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि एक तो आपको अलग से पीसी अटैच नहीं करना पड़ेगा कि आप पहले कैप्चर कार्ड लगाओ फिर पीसी से उसे अटैच करो फिर आप ओबीएस ऑन करोगे, ये सब झंझट आपके फ्री हो जाएंगे सब। और इसके साथ ही आप सिर्फ अपने एक सीपीयू से जो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स है उसके थ्रू आप कहीं भी ले जाकर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी जब हम IGX इवेंट में गए थे, तो वहां पर हम सिर्फ प्लेस्टेशन 4 को ही लेकर जा पाए और वहां पर भी अच्छी स्पीड ना होने की वजह से हम लाइव स्ट्रीम वैसे नहीं कर पाए थे। लेकिन अब ये होगा कि जो भी नेक्स्ट जन कंसोल होगा तो उसमें पीसी की जरूरत ना होते हुए आप कहीं से भी उसमें जितनी भी गेम्स है उसकी लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, जितनी इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करी हो, अगर आपको पसंद आई हो तो यार लाइक करे बिना मत जाइएगा, शेयर करो अपने दोस्तों के पास वीडियो को जितना भी कर सको यार, और जल्दी से हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कराओ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।